सोलो लेवलिंग इस एनिमे की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि चाहे इसकी वो स्टोरी ले लो, चाहे इसके ग्राफिक्स ले लो, या चाहे इसके एक्शन सीक्वेंस ले लो, काफ़ी अच्छी हैं। और ऐसे बहुत ही कम एनिमे होते हैं जो इन तीनों चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, और सोलो लेवलिंग मेरा फेवरेट एनिमे बन गया है। इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, अगर आप इस एनिमे को एक बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। वैसे एनिमे मेकर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस एनिमे को उसी तरह बनाया गया जिस तरह इसे मांगा में पेश किया गया था। मांगा में इसे इस तरह से पेश किया गया था कि इसकी स्टोरी स्लो भी ना लगे, एक्शन सीक्वेंस भी अच्छी हो और स्टोरी भी लगातार चलती रहे, और एनिमे ने वो फॉलो किया है, क्योंकि बहुत सारे एनिमे नहीं करते हैं ऐसा, पर इसने किया है इसलिए इसकी तारीफ तो बनती है। और अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की, तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबसे वीकेस्ट हंटर होता है पूरी हंटर सोसाइटी में, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद में, जो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, उसके बाद में उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो एक ऐसा सिस्टम एक्वायर करता है जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड हो जाती है, और उसी का ही फ़ायदा उठाकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और साथ में उससे टक्कर लेने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए स्ट्रॉन्ग विलन या सिचुएशन भी पैदा होती हैं जिन्हें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका जो एक्शन है और स्टोरी का जो पेस है वो काफ़ी अच्छा है, और ये एनिमे आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करता है। हर एपिसोड आपको लगता है कि वाह क्या था ये एपिसोड, और इसका पेस यूँ ही चलता रहता है। ये एनिमे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खड़ा उतरता है, तो इसे एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और अब बात करें इसकी सीज़न 2 की, तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसकी अनाउंसमेंट अभी आ गई थी, और मैं और बाकी सभी फैन जिन्होंने इस एनिमे को देखा है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका सीज़न 2 है वो भी इसके सीज़न 1 की तरह ही अच्छा होगा, अच्छे एनिमेशन के साथ होगा और अच्छे पेस के साथ होगा। और उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है जो इसे हिंदी और इंग्लिश में देखना चाहते थे, जैपनीज़ के अलावा आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन भी काफ़ी अच्छा है।